माशाल्लाह बच्चा आ गया भाई, ब्रीडर जोड़े ने जो काम दिखा दिया और डेविड खुश है। माशाल्लाह कितना बड़ा इसका हेड है और मेरा सर देखें, इसका सर देखें। ये भाई छोटे उस्ताद जो है वो चालू हो चुके हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पे एक म्यूजियम। हाँ तो जी, मैं यहाँ पर बिजी था और मैं मौजूद हूँ इस वक्त नादिर अली प्रोडक्शन में सामने, और मेरे साथ मौजूद है जिम्मी प्रोडक्शन, नहीं नादिर अली प्रोडक्शन, और ये वो बंदा है जिसने एक्चुअल में जो है मुझे सोशल मीडिया पे जो है वो मेरा फेस आगे लाया, मुझे दिखाया दुनिया को। सर आज माशाल्लाह आपके साथ चौथी पॉडकास्ट हमारी हो गई है और मेरे सारे व्यूवर्स और जो सारे एनिमल्स को लाइक करते हैं। देखिए, पानी टैलेंट और पाद नहीं रुकता, सॉरी आखिरी अलर्ट आ गए, पानी और टैलेंट नहीं रुकता, वो गुजर ही जाता है। और बात ये है कि आप गुजर गए तो गुजर गए, और माशाल्लाह तीनों पॉडकास्ट सुपर हिट, चौथी भी इंशाल्लाह उम्मीद है सुपर हिट। आपने बात ही ऐसी कर दी ना कि मैं कुछ अभी मेरा निकल ही कुछ बात ही निकल रही है, और पूरी टीम भी यहाँ पे माशाल्लाह ऐसी बहुत टैलेंटेड टीम है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। तो अभी जो है हमारा व्लॉग एंजॉय करें और जब पॉडकास्ट आएगी तो पॉडकास्ट भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। ये है हमारी बर्ड जेवरी, लेकिन ये किसी जमाने में बर्ड जेवरी थी और अब इसको हमने खाली कर दिया है, और इस बर्ड जेवरी का बोर्ड भी हम अभी हटा देंगे। तो अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ कि मेरा नया प्लान क्या है कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं। तो चलते हैं जरा अंदर और अब देखें जरा अंदर, आपको अब चीजें दिखाते हैं। ये है भाई सारे जो जमीन के ऊपर, ये आपको जो फालतू चीजें नजर आ रही होंगी, पता नहीं क्या बिखरे हुए हैं, ये कपड़े हैं, ये क्या है, दरअसल ये है जानवरों के स्टफ। वो जानवर जो हमारे पास किसी वजह से डेड हो जाते थे, बीमार होकर, या उनको वो बूढ़े हो जाते थे या कुछ भी, तो उनको हम ज़ाया नहीं करते थे, उनकी जो स्किन वगैरह है वो संभाल के रख देते थे, और ताकि वो काम आए फॉर एजुकेशन पर्पस। तो हमारे जो स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, तो जाहिर है उनको टैक्सीडर्मी जो कि एक आर्ट है उसके हवाले से उनको सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो वो जानवरों में करीब से ऑब्जर्व की जा सकती है जो कि जिंदा जानवरों में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे सारे जो है वो एनिमल्स यहाँ पर है और हम बना रहे हैं यहाँ पे एक म्यूजियम। तो वो एक टैक्सीडर्मी म्यूजियम होगा और टैक्सीडर्मी म्यूजियम के अंदर इन जानवरों के जो स्टफ्स होंगे वो रखे जाएंगे। तो ये हमारा एक पूरा एरिया है इतना बड़ा, और इसको अब आप देखिएगा कि हम किस तरीके से इसके लुक्स को जो है वो चेंज करते हैं, और यहाँ पे जो है आपको इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है वो अभी आर्ट वर्क नजर आएगा किस तरीके से इनका डिस्प्ले होना। करने के लिए दाऊद जो है वो सुबह सुबह जल्दी आ गया है। हाँ भाई दाऊद, कैसी चल रही है बर्ड्स की ट्रेनिंग? बर्ड्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाएंगे। दाऊद भाई, यहाँ पे जो ना हम म्यूजियम बना रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? म्यूजियम बना रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, और एजुकेशनल पर्पज से जैसे हमारे पास स्कूल वाले बच्चे आते हैं तो इससे और मजीद सीखेंगे, और जैसे कि हमारे बराबर में भी स्कूल है। हाँ हाँ, हमारा तो अपना ही स्कूल है, वो अपना ही स्कूल है, बट वहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे नहीं नज़र आती वो यहाँ पे आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि बुक्स में हम पढ़ते हैं। तो जी जिमी भाई, आप हमें कभी क्या बताने लगे? हमारे सबसे पहले म्यूजियम में लगने के लिए जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, और अलग अलग तरह की लाइट्स का पूरा बाकी सामान जो है वो इमरान और रिजवान लेने गए। दो लामा की स्किन है, और ये देखें अच्छी खासी बड़ी स्किन, ये तो बहुत बड़ी है जिमी भाई। हाँ, तो ऐसी एक और भी है, ये भी है हमारे पास, एक ये भी लामा था, तो ये बिल्कुल अपनी एज पे आके जो है उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे हमारे पास जो है वो स्टफ है, जैसे कि आप ये देखें, जो सबसे मेरे फेवरेट लगते हैं ना मुझे, ये हेड्स लगते हैं जो कि आराम से दीवार पर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ये वाला, ये देखें, ये बिल्कुल दीवार पे लगेगा तो इतना ज़बरदस्त लगेगा। ये मैसलून शीप का मेल है, और ये देखें कितनी बड़ी एज का ये मेल था। ये देखें, ये रेड ईयर है, कितना बड़ा इसका हेड है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़ा इसका हेड है, और मेरा सर देखें, इसका सर देखें। तो इस तरह की ये रेयर चीज़ें जो है वो हमारे पास पूरा ख़जाना पड़ा हुआ है। ये देखें, ये उसका है, फेलो डियर का है, इसी तरीके से ये एक और बड़ा हमारे पास जो है वो चीतल डियर का ये पड़ा हुआ है हेड, और जेबरा की खाल देखें आप, ये देखें पूरी जो है वो जेबरा की खाल है ये, माशाल्लाह जेबरा की खाल है। इसके अलावा दूसरे जो बड़े हिरन होते हैं उनकी खालें हैं, ये हमारे पास और स्किनें हैं सारी, ये देखें, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये देखें इसकी सींगें देखें कितनी बड़ी है, और ये देखें
तो भाई ये जब चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी ना तो इसका लेवल ही अलग होगा। अरे बीच में आपका फेस अच्छा लग रहा है सर। अच्छा ये देखिए। और इसको जो है बारह सिंगा भी बोला जाता है। तो ये देखें ये अब यहाँ पे इंशाल्लाह ये डिस्प्ले हो जाएंगी चीजें। और मैं आपको दूसरी चीजें भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये कुछ हॉर्न्स वगैरह है, किरण जो है वो अपनी सींग झाड़ देते हैं तो ये हमने कलेक्ट करके रखे हुए। ये देखे ये हिरणों के सींग है। और ये बड़े मतलब नायाब चीजें हैं, ये मैं इन सबको कलेक्ट करके रखता हूँ। और ये अलग अलग हिरणों के जो है वो सींग है। तो यहाँ पर इनको कैसे डिस्प्ले करना है, जैसे कि एक और ये स्टफ देखे, ये फुल स्टफ है, फुल बॉडी का है। ऐसे हमारे पास ऑरिक्स का भी एक स्टफ है, शेर के बच्चे भी हैं। और इस तरह की जो चीजें ना हम इंशाल्लाह अभी जो है यहाँ पे, जैसे एक मकाओ हमारा डेड हुआ था तो मकाओ का भी स्टफ है। अब इनको यहाँ पे बड़ी ब्यूटी के साथ जो है वो हमें डिस्प्ले करना है। और सबसे जो मुझे प्यारा लगता है ना सींगों के मामले में, वो मेरा फेवरेट है, और वो है ये ब्लैक बक। इसके सींग देखे कितने प्यारे हैं और बहुत प्यारी मसल है, ब्यूटी होती है ब्लैक बक है। और ये हमारे पास नीचे एक अल्पाका की खाल भी है। तो इन सबको साफ करना है, क्लीन करना है, इसके बाद यहाँ पे बनाना है ग्रैंड म्यूजियम। तो आज का दिन जो हम इसी के ऊपर स्पेंड करने वाले भाई। हमारे और सामान आ गया और हमारी टीम भरपूर मेहनत कर रही है। ये अरेबियन ऑरेक्स भी हमारा आ गया और पूरा के पूरा ये जो है वो स्टफ बना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। और सुबह सुबह पूरी टीम हमारी जो यहाँ पे पहुँच गई। आप देखें आप इस जगह का नक्शा कैसे चेंज करते हैं हम। एक और भी आ गया भाई, पहले ये एक आया था, अब ये दूसरा भी आ गया। तो फाइनली हमारे ऑलमोस्ट 90% स्टफ जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। और ये वाला तो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। और अब हम करेंगे इसकी सेटिंग। तो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक का काम करेंगे, बाकी मेरी जो टीम है वो इसके डेकोरेशन का काम करेगी। और अब सामान आने लग गया है, चटाइयाँ वगैरह आ गई हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे हम डेकोरेशन के लिए। भाई क्या क्या लाए हैं शॉपिंग करके? रस्सियाँ हैं, ऑयल पेंट है, और ये वाली रस्सी है, और ये साथ में सुइयां भी हैं। काम करना जो है हमारी टीम शुरू हो गई और रस्सियाँ कट रही हैं, क्योंकि ये जो चटाइयाँ हैं ये सबसे पहले लगेंगी इन ग्रिल्स पर और ग्रिल से आएगा लुक। ये पहली चटाई जो है वो हमारी लगना शुरू हो गई है। और इमरान ने आइडिया दिया है कि इसको जो है थोड़ा चटाई को हम लंबाई में लगाते हैं, वरना मेरे हिसाब से इसको हम ऐसे लैंडस्केप में लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन इमरान का आइडिया जो है मज़ीद बेटर मुझे लग रहा है। ये ज़बरदस्त काम चल रहा है। और चाचा आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप अभी? तूने पूछा थे साथ मारे दौर पे, मारे मैं क्या मारे दौर पे ना? नहीं नहीं उस खाल का क्या कह रहे थे, चप्पल वाला? हाँ मैंने बोला मैं कि ऐसे जाए होगी खाल, तो उसका क्या करें? अच्छा चाचा अभी कैमरे में बता नहीं रहा है, वैसे चाचा ये कह रहा था कि जिम्मी भाई इसकी ना चप्पल वप्पल बनवा लेते हैं खालों की। तो अब ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी खाले, इसकी हम चप्पल और जैकेट क्यों बनाए? और कह रहे थे यार इसका ना जैकेट बना लेते हैं और उसकी ना चप्पल बना लेते हैं। हम क्या चाचा तुम्हें जंगल में रहने वाले नजर आ रहे हैं, जंगली हम अफ्रीका से आएंगे, ये पहन के हम घूमेंगे और जो है ना वो जानवरों की खाले, क्या लगता है? अफ्रीका वाले पहनते हैं क्या? हाँ ना भाई, जो जंगलों में नहीं रहते वो इन खालों की इस तरह की चीजें जो बनाते हैं, इतने प्यारे प्यारे जानवर हैं यार, तो उनकी चप्पल अप्पल मेरे हिसाब से बैग वैग नहीं बनना चाहिए। भाई ये बड़े उस्ताद आ गए भाई, बड़े बड़े उस्ताद आ गए वेल्डिंग वाले, और ये अभी वेल्डिंग करेंगे। हाँ भाई नाम क्या है तुम्हारा? कर दोगे ये काम? इसका साइज देखो, तुम्हारे से बड़ी तो हमारी वेल्डिंग मशीन है यार। लाइटें भी लगना शुरू हो गई और अब यहाँ पे जो है नीचे वेल्डिंग का काम भी शुरू हो रहा है। एक चाचा को छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं, जबरदस्त भाई। ईटों का साइज अब छोटे उस्ताद जो है वो मेरे बड़े उस्ताद जो अब काम शुरू कर रहे हैं भाई। ये देखे भाई इनकी उम्र देखे, इनके काम देखे, और जबरदस्त जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें छोटू। ये भाई छोटे उस्ताद जो है वो चालू हो चुके हैं, और इलेक्ट्रिशियन वाले हमारे फुरकान भाई जो है वो अपने मंजनों में लगे हुए हैं। वाह हमारी टीम एक अलग मंजन में लगी हुई है। एक हिरन के बच्चे का स्टफ है दोस्तों, और ये देखें अरेबियन ऑरिक्स, और ये भी जब डिस्प्ले पे होंगे ना तो बहुत ही कमाल का ये म्यूजियम लगेगा इंशाल्लाह। और मेरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करती है यार, बहुत मेहनती लोग है। तो एक चैनल को हमारे जरा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। क्या हुआ, हो गया काम पूरा खत्म? चलो यार जबरदस्त, वेरी गुड भाई। ब्लोर भी आ गया और खालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, और जबरदस्त। ये देखिए जेबरा के बच्चे की एक और खाल आ गई, अब इसमें से मिट्टी वगैरह जो है वो निकलवा रहे हैं ब्लोर मार मार के। आपने काम करना है जी सर, वो रेड ईयर का सर वो पड़ा हुआ है, खाल उधर पड़ी, सिंगे उधर पड़ी, इसको जोड़ के ना बिल्कुल ऐसा बना देना सिस्टम सर्जरी करके, हो जाएगा हो जाएगा सर, हो जाएगा भाई। ये कर लेते हैं अभी,
और ये जब तक हमारी टीम जो है ना ये पूरी पूरी खालें ला रही है और इनको स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि इनमें कीड़े वगैरह ना लगे और साथ ही ब्लोअर से जो है इनकी सफाई भी हो रही है। ये लाइन से जो है वो चटाइयाँ लग गई हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूजियम के अंदर चटाइयों का क्या काम है। तो भाई मैं जो थीम बना रहा हूँ वो विंटेज थीम बना रहा हूँ, एक पुरानी सी जैसे खंडर वगैरह होते हैं ना इस तरह का एक थीम मैं यहाँ पे चूज करके बैठा हूँ। तो वो उस थीम के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर जैसी ही चटाइयाँ पूरी हो जाएगी हम नीचे जो इसकी बेस पे काम करेंगे, तब तक हमारे जानवर जो सारे सफाई होते जा रहे हैं और फिर वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसे इंशाल्लाह हमारा म्यूजियम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी हमारे अभी और स्टाफ जो है वो अभी आ रहे हैं और जो है वो लाइटें लगना शुरू हो गई हैं और ये लाइटें जो है ये स्पॉट्स बनाएंगी और इनकी जो रोशनी है सीधे यहाँ पर जानवरों के ऊपर आएगी। जो ना ऐसे हेड बहुत सारे हैं जो दीवार के ऊपर लगते हैं तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, इसी वजह से हम जो है ना यहाँ पर एक चीज़ वेल्ड करा रहे हैं, छोटे से नक्के वेल्ड हो जाएंगे, इस वेल्ड के ऊपर जो है हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। भाई डॉक्टर साहब पहले मीना बाजार में लगता है मेहंदियाँ लगाते थे, इन्होंने देखे कितनी प्यारी प्यारी डिजाइने बनाना शुरू कर दी है और ये सैंपल के तौर पर हमने अभी एक ये लगाया है और बाकी भी लगाएंगे, लेकिन हम चेक करें जो चटाइयाँ थी ना उसके ऊपर जरा सा एक मिक्स टाइप के कुछ कलर से हम कुछ प्रिंट्स कर। भाई डॉक्टर साहब पहले मीना बाजार में लगता है मेहंदियाँ लगाते थे, इन्होंने देखे कितनी प्यारी प्यारी डिजाइने बनाना शुरू कर दी है और ये सैंपल के तौर पर हमने अभी एक ये लगाया है बाकी भी लगाएंगे, लेकिन हम चेक करें जो चटाइयाँ थी ना उसके ऊपर जरा सा एक मिक्स टाइप के कुछ कलर से हम कुछ प्रिंट्स कर। हमने स्प्रे कलर से जो है वो थोड़ा सा आर्टवर्क कर दिया, अब इसके ऊपर हम खाले वगैरह लगाएंगे और देखते हैं कैसा लुक। फिलहाल भाई हमने ये वाली चूज करी है और हम इसको जो है इससे स्टार्ट करेंगे, इसको सबसे पहले हम वॉल पे लगाएंगे। लगा के देखी वाली खाल अच्छी नहीं लगी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब किसकी कह रहे हैं कौन सी खाल लगानी है? लामा की लगाते, लामा की लगाते, तो लामा की जो है वो खाल एक यहाँ पड़ी है, दो हमारे पास और भी हैं और ये अब लामा की खाल जो है ना बड़ी जबरदस्त है, इसका फर भी देखे बड़ा जबरदस्त है और अब ये वहाँ पे लगा के देखते हैं कैसी खाल। रिजवान बेटा इधर दिखाना, पूरा पूरा तू अपने कबीले वालों की तरह ही लग रहा है, सही है, जा 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 उधर रख के देख, हाँ जबरदस्त, थोड़ा झुक जा झुक जा। ये वो है ना वो बाहुबली के अंदर नहीं फौजी लेकर आया था जंगली, वो वाला लग रहा है ये। चलो चलो रख के देखो ये कैसा लग रहा है। हाँ ये खाल इसके ऊपर उठेगी यार, इसके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी भाई। ये इस तरीके से हम लगा रहे हैं पूरी के पूरी जो स्किन है ना वो नजर आए, तो ये लामा का हेड है और ये पूरी बॉडी, अच्छा खासा ये बड़ा लामा था भाई। मैफलून आ गया और इसके साथ हमने वाइट मैफलून लगा दिया, हम चाह रहे हैं कि एक जगह पे ना एक ही तरह की चीजें हों। अच्छा ये अंदर जा नहीं रहा था इसके अंदर, तो अभी हम इसका होल बना कर रहे हैं ताकि ना आराम से ये फिट हो जाए। हाँ भाई यार ये तो फिट हो गया इधर, अब ठीक हो गया ना, चले जाओ ये अंदर चलेंगे, ये मेल के साथ ठीक नहीं रहेगा। और ये हमारे इमरान भाई, अरे भाई गिर जाऊंगा। ये वही है जिसने इमरान को जख्मी किया था, वही है ना मेरा, वही है भाई, ये सींग लगे थे, ये इमरान के सींग लगे थे, एक और छेद बढ़ गया इसका। सारे जो ये हमारे डियर्स के जो हेड थे हमने सीक्वेंस से लगा दिए, देखिए पूरे लाइन से, वो देखें सामने देखिए उधर सारे ये ऐसे लाइन से ये लग गए हैं। ये माड़ू हमारा कब से लगा हुआ है माशाल्लाह और बड़ी मेहनत कर रहा है, ये देखें तो बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से हो रहा है। बाकी ये डॉक्टर साहब तफरियों में लग गए, अरे क्या हाल है, आज मजार बंद है क्या? नहीं। अच्छा जबरदस्त भाई, अच्छा आज जुम्मा है भाई। हाँ कुछ दिन पहले हम गए थे बॉक्स वगैरह चेक, एक मिनट दाऊद कोई काम की बात कर रहा। हाँ भाई
कुछ दिन पहले हम गए थे बॉक्स चेक करने, आज वहाँ से बॉक्स में आवाज आ रही, तो क्यों ना चलें चेक करते हैं। कौन सी आवाज आ रही है? डार्बिन के बॉक्स में से आवाज आ रही है। बच्चे तो नहीं आ गए शायद, देखते हैं। अरे जबरदस्त जी भाई, चले भाई, तो गुड न्यूज आई गई, ये काम छोड़ते हैं क्योंकि वो मेन जो चीज है ना, बल्कि काम नहीं छोड़ते, काम कंटिन्यू रहेगा। अबे चूहे ना, ये बात भी है, चल के देखते हैं भाई चूहे है या डार्बिन ने जो बच्चे, देखो अंडे तो आ गए थे इतना हमें पता है, तो चलते हैं हमारे केजेस की तरफ। भाई तो हम आ गए हमारे ब्रीडिंग सेटअप पे, सारे ब्रीडर तो क्या, कहाँ से आवाज आ रही है? इस बॉक्स में आवाज आ रही है, पहले जोड़ा देख ले, आई डार्बिन का जोड़ा माशाल्लाह, आराम से गिरना नहीं भाई, आराम से ये जोड़ा, ये डार्बिन है, ये देखे बॉक्स के अंदर क्या है। ओ भाई बच्चा है, बच्चा तो तुम्हें पता नहीं है, तो वो बच्चा निकला हुआ ये आवाज, चलो ये निकालो बच्चा यार, दाऊ देखना यार, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो गाइस फाइनली हमारे पास डार्बिन की एक और ब्रीड आ गई, ओ बच्चा माशाल्लाह बच्चा आ गया भाई, ब्रीडर जोड़े ने जो काम दिखा दिया, और डेविड खुश है, डेविड की एक और औलाद आ गई, इतने सारे तोतों में एक और मुन्ना आ गया भाई। इसको जरा बॉक्स बॉक्स में ले आते हैं, ये मैंने मंगवा लिया था, और अभी इसको इसके अंदर रख देते हैं, ये बॉक्स के अंदर माशाल्लाह आ गया, हम फीड करवाएंगे, और ये अभी तो फॉरन से तो फीड नहीं मांगेंगे, अभी तो इसकी क्रॉप में है, और पिन फेदर का बेबी है ये डार्बिन माशाल्लाह। बच्चे की टेक केयर करेंगे, इसकी फीडिंग वीडिंग ये सारी चीजें करेंगे, और इसकी जो किस तरीके से केयर की जाती है उसकी पूरी वीडियो जो है डेविड अपने चैनल पर डालेगा। तो फिलहाल इसको भिजवाते हैं हमारे जो है वो पैरेट्स वाले रूम में, और हम चलते हैं म्यूजियम की तरफ वापस, के वहाँ पर जो है वो काम कहाँ तक पहुँचा। झील के अंदर जो है ना सारा पानी जो है निकाल के बिल्कुल साफ पानी डाल रहे हैं, और हमारे सारे एनिमल्स जो है ना काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जब से हमने ये ऊपर एक छत बनाई है ना, तो माहौल काफ़ी और ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो गया, गर्मियों के लिए हमने तैयारियाँ की है। दिखाता हूँ फ्लेमिंगो, देखें ये देखें ये किस तरीके से सो रहा है। तो फ्लेमिंगो एक टांग पर सो रहा है, और जब ये थक जाता है ना तो एक टांग अपनी नीचे कर लेता है, फिर दूसरी टांग जो है वो ऊपर कर लेता है। इस तरीके से एक वक्त के अंदर ये एक ही टांग को जो है वो इस्तेमाल करता है, और दूसरी टांग को जो है लगता है कि इसकी एक ही टांग है मगर इसकी एक दूसरी टांग है जिसने ऊपर लिफ्ट की हुई है। और आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा ये खाना कैसे खाता है। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे से कलर्स हैं, और ऐसे कलर के फ्लेमिंगो जो है ना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये देखें अब इसने विंग्स खोले तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भाई ये हमारी वाटर बर्ड एवेरी है, इसका भी मैं ब्लॉग डालता रहता हूँ बीच में। अभी हमारा एक टर्टल भी देखें बाहर आके ना ये सनलाइट ले रहा है यहाँ पे, ये रहा इस जिसने अंडे दिए थे जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग बनाया था। अभी म्यूज़ियम का जो काम चल रहा है उसको देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, तो वेरी सून जो है वो कम्प्लीट हो जाए तो मैं आपको पूरा लुक दिखाऊँगा कैसा हमारा जो है म्यूज़ियम का लुक आ। दीवार जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अब फ्लोर पे बिछ रहा है मैट। ये मैट बिछाने के बाद हम बाकी जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम सेट करेंगे यहाँ पर। भाई ये लुक निकल के आ गया है हमारे म्यूजियम का, और बहुत मेहनत की हमारे बच्चों ने, और ये देखें आप रिजल्ट सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा म्यूजियम जो है वो रेडी हो गया है, और मैं थोड़ा सा आपको इसके करीब के लुक दिखाऊंगा कि सब चीजें कैसे लग रही हैं। तो एंजॉय करें ये वीडियो। गाइस आपको ये म्यूजियम कैसा लगा? और बड़ी मेहनत से हमने बनाया, ये हमारे स्टफ एनिमल्स थे, और आप कुछ सवाल करेंगे यार इतने सारे एनिमल्स डेड कैसे हुए? तो भाई अगर आप हमारे व्लॉग्स रोज देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो बर्थ रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। हमारे पास जानवर ब्रीड करते हैं, और हर जानवर की अपनी एक लाइफ होती है, जैसे ऑन एवरेज एक जानवर 10 से 12 साल फॉर एग्जांपल जिंदा रहता है, तो उसकी जब लाइफ पूरी हो जाती है तो हम फिर इस तरह की इसकी स्टफिंग करा लेते हैं ताकि एजुकेशनल पर्पस के लिए हम उसे यूज़ कर सकें। तो जैसे ये बेबी है, ये पैदा होते ही मर गया था, कुछ चीज़ों के साथ मसले होते हैं बाय बर्थ, जैसे कि वो लॉयन का आप साइज़ देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो प्री मेच्योर जो है वो बर्थ हुई थी। इसी तरीके से ये जेबरा जो है ये काफ़ी ओल्ड एज का जो है होके हमारे पास मरा था, तो इसी तरीके से जो है ये चीज़ें हुई थी, और एक विंटेज थीम पे फालतू जगह पड़ी थी, मैंने कहा उसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आज डार्बिन का चेक भी हुआ हमारे पास तो बड़ी खुशी हुई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारी मेहनत होती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी रिकमेंड करें। जिन्हें जिन्हें जूलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।